Hello friends, how are you? Today we want to do a video, or I want you to do a video on Saint Simon. Yeah, Saint Simon, jo hai, though he may not be directly mentioned in the syllabus, but nevertheless is very important. What important hai? Because he has a direct role in Emergence of Sociology. एक तो इसका कुछ टॉपिक्स जो बता रहा हूँ आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड सेकंड इसने पॉजिटिविज्म के बारे में काफ़ी बोला है. अभी पॉजिटिविज्म और एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी ये क्योंकि सिलेबस में मेंशन है इसलिए सेंट सीमन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तीसरा इसका अगस्त कॉन पर और दुर्खेम पर इम्पैक्ट है तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है. और फ्रिक्वेंटली आजकल आड़े तड़े सवाल भी कई बार पूछ ले जाते हैं जैसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो वहाँ पर भी इसलिए हमारे पास ये बैकग्राउंड होना ज़रूरी है. तो लेट्स बिगिन विद दिस सेंट सीमन. कहानी आ रही है कि सेंट सीमन था कौन. सेंट साइमन अगर आप याद रखना चाहो तो ही वॉज ग्रैंड फादर ऑफ दुर्खेम. ग्रैंडफादर नॉट बायोलॉजिकल इन द बायोलॉजिकल सेंस बट इंटेलेक्चुअल सेंस. सेंट साइमन का स्टूडेंट था ऑगस्ट कॉम्ट और ऑगस्ट कॉम्ट का स्टूडेंट था दुर्खेम. तो एक तरीके से जो सेंट साइमन बोलेगा उसका थोड़ा इफेक्ट ऑगस्ट कॉम्ट पे पड़ेगा और उसका इफेक्ट फिर दुर्खेम पर पड़ेगा. असल में कहानी यह है कि सेंट साइमन के पास ऑगस्ट कॉम्ट ने एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम किया था. एक तरह से उसका एक वो इंटर्न के तरह वहाँ पे ये समझ लीजिए थोड़ा बहुत वैसा काम किया था. कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट साइमन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था ऑगस्ट कॉम्ट को. हुआ ये कि ऑगस्ट कॉम्ट जो है ही वॉज जब वो अराउंड 18-19 साल का था तब उसे कॉलेज से रेस्ट्रिगेट कर दिया गया. जैसे आजकल हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में कई बार JNU में वो कन्हैया के अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ एक्शंस ले रही थी, तो वो तो इतने सीवियर नहीं थे, इतने इंटेंस नहीं थे. लेकिन जब जो ऑगस्ट कॉम्ट था जब वो 18-19 साल का था तब उसे कॉलेज में उसके पूरे के पूरे बैच को ही टर्मिनेट कर दिया गया, पूरे के पूरे बैच को. अब तब उसकी ज़िंदगी हो गई बर्बाद. अब वो गया फिर सेंट सीमन के पास और सेंट सीमन ने जाके उसे अडॉप्ट कर लिया. इसीलिए एक टाइम पे अगस्त कॉम्प्ट कहता है कि मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ मैं ज़िंदगी में जो भी कुछ हूँ वह सेंट सीमन की वजह से हूँ. अगर तुम ना होते तो फिर हम ना होते, इस तरीके से. लेकिन बाद में तो इसीलिए ये दोनों फिर साथ मिलकर रहते हैं. सेंट सीमन बहुत सारी बातें जो भी स्टडी करेगा उसका जो इम्पैक्ट है वो अगस्त कॉम्प्ट पे पड़ेगा. मगर अगस्त कॉम्प्ट मतलब एक दिन फिर ऐसा आता है कि इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अगस्त कॉम्ट फिर ब्रेकअप कर लेता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. दिल पे रखकर पत्थर ब्रेकअप कर लिया सेंट सीमन के साथ अगस्त कॉम्ट ने ब्रेकअप कर लिया. मगर खास बात यह है जो आइडियाज़ थे आइडियाज़ नहीं छोड़े. सेंट साइमन के जो आइडियाज़ थे वही आइडियाज़ इसके ऊपर आएंगे, अगस्त कॉम्ट के ऊपर आई हैं और अगस्त कॉम्ट ने उन्हें दुर्खेम पे पास ऑन कर दिया है. वो कौन से आइडियाज़ थे वी विल सी शॉर्टली. और अगर हम यहीं पर बोलें तो वो आइडियाज थे पॉजिटिविज्म से रिलेटेड. अभी पॉजिटिविज्म क्या है, दिस क्लास इज नॉट अबाउट पॉजिटिविज्म, लेकिन फिर भी पॉजिटिविज्म का यहाँ पे टच देख लेते हैं. ठीक है, जब इशू टच हो ही गया है तो इशू छिड़ ही गया है तो पॉजिटिविज्म का कि व्हाट इज पॉजिटिविज्म. तो पॉजिटिविज्म इज लाइक यू कैन से कि एडमिरेशन ऑफ साइंस और साइंटिफिक मेथड्स, रादर आई शुड से साइंटिफिक मेथड्स को लेकर एक ऑब्सेशन है, एक प्यार है, इसे पॉजिटिविज्म बोलते हैं. हमारे यहाँ पर क्योंकि हम सोशियोलॉजी में पॉजिटिविज्म पढ़ते हैं तो फिर हम सोशियोलॉजी में बोलते हैं कि पॉजिटिविज्म मींस कि सोशियोलॉजी को साइंस की तरह स्टडी करना. लेकिन इनफैक्ट पॉजिटिविज्म उस जमाने में जब सेंट सीमन थे तब वो हर जगह ही उसका इम्पैक्ट हर जगह था, नॉट जस्ट इन सोशियोलॉजी. लेकिन तब ये समझा जाता था कि आपको जो भी नॉलेज गेन करनी हो
वट एवर नॉलेज यू वॉन्ट टू गेन, जो भी नॉलेज आप लेना चाहते हैं, दैट नॉलेज कैन बी गेन ओनली थ्रू साइंटिफिक मैथड्स, मतलब साइंटिफिक मैथड्स के थ्रू ही आपको ज्ञान मिल सकता है. और वो साइंटिफिक मैथड्स क्या हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्स. और वो कौन से फैक्ट्स? जिन्हें आप वेरीफाई कर सको, मतलब एम्पेरिसिज्म पे, एम्पेरिकल फैक्ट्स पर ये लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे, एम्पेरिकल फैक्ट्स पर. ये लोग और क्या बोलते थे, पॉजिटिविज्म वाले, ये कहते थे कि जो भी स्टडी करना है आप इस तरीके से करो, फैक्ट्स को लेकर स्टडी करो, और ऐसे स्टडी करो कि उसे आप वेरीफाई कर सकें. जब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते तब तक क्या फ़ायदा. इन्होंने कहा कि साइंस वालों से सीखो, जैसे साइंस में बायोलॉजी वाले या फिजिक्स या केमिस्ट्री वाले फैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर बात करते हैं, आप भी ऐसे ही बात करो. तो आप भी साइंस के कुछ टूल्स जो होते हैं, जैसे कि कॉज इफेक्ट एनालिसिस, इसको लेकर स्टडी करो. कॉज इफेक्ट एनालिसिस, आप इस तरीके की बात करो, कॉज इफेक्ट एनालिसिस. कॉज इफेक्ट एनालिसिस कैसे, कि अगर अगर ये एक्स कुछ कुछ होगा तो फिर वाई कुछ होगा, एक्स विल रिजल्ट इनटू वाई. फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंक्रीज हो रही है तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. तो ऐसे ही ये लोग कह रहे हैं कि आप सोसाइटी को भी स्टडी करो कॉज इफेक्ट एनालिसिस से. क्यों? क्योंकि साइंस वाले करते हैं. और कौन सा टूल लेना है साइंस वालों का? कंपैरेटिव एनालिसिस. जैसे साइंस वाले कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ऐसे आप भी कंपैरेटिव एनालिसिस करो. तो इस तरीके से ये लोग बार बार बात करते थे कि हमें तो साइंस ही बनाना है, हमें तो साइंस की तरह आपको पढ़ना है. अगर आप साइंस की तरह नहीं पढ़ सकते तो कोई फायदा नहीं है, आप जो भी नॉलेज लेकर आओगे वो गलत होगी. तो सेंट सेमन वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु वॉज प्रोपोगेटिंग दिस थ्योरी, नॉट दिस थ्योरी, आई वॉन्ट टू थ्योरी, दिस बिलीव कि साइंटिफिक मेथड से ही आपको नॉलेज मिल सकती है. दिस इज वॉट पॉजिटिविज्म इज इन ब्रीफ. तो ये लोग कहते थे कि सोशोलॉजी में भी आप पॉजिटिविज्म लेकर आओ. और सेंट सेमन जो है वो कहता है कि वी नीड साइंस ऑफ सोसाइटी, हमें एक साइंस ऑफ सोसाइटी की ज़रूरत है जिसमें हम सोसाइटी को पढ़ सकें. ठीक है, यहाँ से सोशोलॉजी की बात थोड़ी थोड़ी शुरू होने लगेगी और फिर उसके इस चीज़ को थोड़ा कॉपी करेगा ऑगस्ट कॉम और वो आगे पास ऑन कर देगा. अब आते हैं कि सेंट साइमन के थोड़े से व्यूज़ देख लेते हैं, वो व्यूज़ भी हमें और समझाने में मदद करेंगे कि एक्चुअली बंदा कह क्या रहा है, बंदा चाहता क्या है. सेंट साइमन की जो खास बात है वो ये है कि उसने दो तरह, वो दो तारी तक दो धारी तलवार की तरह था. एक तरफ तो उसके व्यूज़ ने कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को सपोर्ट किया, मतलब कि जो नॉट कंजर्वेटिव एलिमेंट्स रादर बट कंजर्वेटिव थॉट्स, जो कंजर्वेटिव थॉट्स थे उसको उसने इम्पैक्ट किया. और एक तरफ उसने मार्क्सिस्ट को इम्पैक्ट किया, जो मार्क्स जैसी बातें करते थे. चलो ध्यान दो यहाँ पर, मैं मार्क्सिज्म नहीं बोल रहा हूँ, मार्क्स जैसी बातें करने वाले लोग बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था सेंट सेमन जब था. सेंट सेमन कब था? 1760 से लेकर 1825 तक, यानी कि जब सेंट सेमन की डेथ हुई उस टाइम मार्क्स मुश्किल से 6-7 साल का रहा होगा, मतलब काइंड ऑफ क्या जानता होगा. और जब सेंट सेमन ये सारी बातें कर रहा था तब मार्क्स वुड हैव हार्डली बीन, मतलब दूध पीता बच्चा होगा. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मार्क्सिस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्क्स की तरह बात करने वाले लोग अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली देखें. तो सेंट सेमन ने ऐसा क्या कहा? सेंट सेमन ने बहुत ज़्यादा फोकस किया वर्कर्स के ऊपर. वो कहता है कि वर्कर्स शुड हैव द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ, मतलब बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स. मतलब वो कहता था कि वो वेलफेयरिस्ट जैसी बातें करता था. वो कहता था कि ये बेचारे वर्कर्स हैं इनके बारे में कोई नहीं सोचता, दे आर सो पुअर, आप इनके बारे में सोचो, इनके फायदे की बात करो, इनके वेलफेयर की बात करो. कैसे करोगे इनके वेलफेयर की बात बताइए? तो ये कहता था कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑफ इकोनॉमी. व्हाट ही सेड? सेंट्रलाइज्ड He created demand for centralized planning
इन इकोनॉमी, थोड़ा सा सोशलिज्म जैसा कंसेप्ट लग रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं कि ये एक तरीके का सोशलिज्म लेकर आ गया। इसे कुछ लोग बोलते हैं फ्रेंच सोशलिज्म। तो पुअर लोगों के बारे में बात करने के लिए, गरीब और इस तरह गरीबी लोगों के बात करने के लिए, वर्कर्स के लिए बात करने के लिए हम इसको क्रेडिट देते हैं कि उस जमाने में भी ये बात कर रहा था ऐसे। ये कहता है कि सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट वी शुड इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ दिस पुअर पीपल। फाइन, इसीलिए लोग उसे, कुछ लोग जैसे मैंने कहा, इसे फाउंडर ऑफ फ्रेंच सोशलिज्म समझते हैं या कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मार्क्स ने वर्कर्स के बारे में एक बात जो बोली है कि ये जो वेलफेयर आप करोगे, कैसे सिचुएशन आ पाएगी। मुद्दा तो ये है ना सारा कि करें तो करें कैसे ये सारा काम, ठीक है। तो मार्क्स ने तो क्या बोला है कि इट्स ऑल अबाउट रेवोल्यूशन, जबरदस्ती आएगी, वर्कर्स को इकट्ठा होकर रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी, बहुत सारा ब्लड बहेगा उसमें, ठीक है, लाल सलाम, तो वायलेंस होगा। ये सेंट सेमन ने कहा था ऐसे वैसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, ये लाने के लिए हमें जो रिच क्लास है वही सामने आएगी, वही कुछ ऐसे काम करेगी और बड़ी रजामंदी से, प्यार मोहब्बत से लोग सामने आके वेलफेयर करना, लोगों को वेलफेयर के बारे में सोचने की जरूरत है। तो यहाँ पे उसके थॉट्स, अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। द पॉइंट इज कि वो सोशलिज्म की बातें करता था मगर नॉट एग्जैक्टली लाइक मार्क्स, बहुत ज्यादा रेडिकल नहीं था। कंजर्वेटिव क्यों था? क्योंकि जैसे हमने कह रहे हैं कि ही वांटेड स्टेबिलिटी आल्सो, और सोसाइटी में जो वो चेंजेस चाहता था वो थोड़ा रिफॉर्म्स के तौर पे चाहता था, नॉट, वो एक रेडिकल चेंजेस की कभी बात नहीं करता था। ओके, ही वांटेड टू प्रिजर्व द सोसाइटी, चाहता था कि सोसाइटी और वो सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझता था वो। ही वांटेड टू प्रिजर्व द सोसाइटी, तो थोड़ा थोड़ा वो कंजर्वेटिव आउटलुक वाला भी था। देखो असल में बात यह है कि उस जमाने में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था या हो चुका था और बहुत सारा सोसाइटी में केओस सा हो गया था, ठीक है, तो दो तरह के लोग थे। एक तो कह रहे थे कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, सब सही है जा रहा है, चेंज लेकर आओ, और एक कह रहे थे कि यार इतना ही क्या सिचुएशन हो गई है, करने कुछ चले थे और कुछ और ही हो गया, सिचुएशन और बुरी हो गई, केओस हो गया, लोग डकैती कर रहे हैं, मार काट मचा रखी है, वैल्यूज खत्म हो गई हैं, तो वी नीड टू गो बैक टू 16th सेंचुरी। कुछ लोग इतने कंजर्वेटिव हो गए थे, उनमें एक बंदा था डी बोनार्ड, ठीक है, डी बोनार्ड। तो याद रखना कि सेंट सीमन भी कहता था कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वी नीड टू गो बैक, लेकिन थोड़ा सा मतलब पुरानी अच्छी बातों को भी लेकर आना चाहिए, लेकिन इसकी तरह नहीं कहता था। रिमेंबर दिस पॉइंट कि वो डी बोनाल्ड से बहुत डिसएग्री करता था, वो कहता था, सेंट साइमन कहता था कि नहीं, वी कांट गो बैक टू 16th सेंचुरी। डी बोनाल्ड तो कहता था कि अभी चल रही है आपकी 19th सेंचुरी, यहाँ से यू टर्न मारो और वापस 16th सेंचुरी जैसी थी वैसी हो जाते हैं, मेडिवल एजेस थी वही बेहतर थी, ठीक है। सेंट साइमन कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं और हमें आगे, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड, एंड या ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव सम एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी आल्सो, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड इन अ फॉर्म ऑफ लाइक रिफॉर्म्स, लाइक जैसे रिफॉर्म्स में मूव करते हैं, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड जैसे रिफॉर्म्स में मूव किया जाता है, एंड वी नीड टू प्रिजर्व द सोसाइटी आल्सो। तो इस तरीके से देखें तो सेंट सीमन जो है, हमारा जो सेंट सीमन है, वो मतलब एक थॉट अगर ये हो गया, कंजर्वेटिव वाला हो गया, एक मार्क्सिस्ट वाला या सोशलिस्ट वाला हो गया, तो बेचारा इन दोनों के बीच में फंसा था, ठीक है, दोनों के बीच में फंसा था। अब इसी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। सेंट साइमन, जैसा मैं कह रहा हूं कि सेंट साइमन सोशलिज्म की बातें करता था, सोशलिज्म जैसी बातें करता था, जिसमें वो कहता था कि वर्कर्स की सिचुएशन को इम्प्रूव करो। ओके, वो कहता था कि पुअर गरीब लोग हैं, इनकी बारे में सोचो, वो वेलफेयर की बातें करता था, वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बातें करता था, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इकोनॉमी। लेकिन वो मार्क्स की तरह नहीं था, वो क्या क्या कहता था, ये कैसा हो पाएगा, ये सब प्यार मोहब्बत से हो जाएगा, विद कंसेंसस, कैसे होगा, कंसेंसस के थ्रू, किसके अंदर कंसेंसस, जो अमीर लोग हैं
हु आर द चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज, जो जमाने में इंडस्ट्रीज है उनके जो चीफ हैं वो सामने आएंगे, उनके अंदर चेंज ऑफ हार्ट होगा, दे शुड थिंक अबाउट वेलफेयर. जैसे महात्मा गांधी थे, ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ अनटचेबिलिटी बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ अपर क्लास, अपर कास्ट, विच वॉज, ये व्यू उनका अम्बेडकर के व्यू से बहुत डिफरेंट था. ऐसे ही यहाँ पर सेंट साइमन कहता था कि मुझे रेडिकलिज्म नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज आएंगे, प्लस यहाँ पे एक चीज और जुड़ेगी, और उन चीजों, उन दो चीजों को मिलाकर हम यहाँ पे सोसाइटी को बहुत इम्प्रूव कर देंगे, सोसाइटी में बहुत बढ़िया सोसाइटी हो जाएगी. ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सालों बाद मार्क्स आता है, मार्क्स पैदा होता है, मार्क्स इन सब कहानियों को सुन रहा था. अब सेंट साइमन तो था नहीं उस टाइम, लेकिन मार्क्स जो था वो इस सब कहानियों को सुन रहा था, और मार्क्स कह रहा है क्या मजाक चल रहा है, मतलब ऐसे होता है क्या? कहता तो भैया आपको ग्राउंड रियलिटी तो पता ही नहीं, इस तरह से चेंज नहीं आएगा, इस तरह से वर्कर्स के बारे, इस तरह से वर्कर्स को कोई इम्प्रूव की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं की जा सकती, वर्कर्स को इम्प्रूव करने के लिए तो रेवोल्यूशन की जरूरत है, और तुम जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो ये सब धोखा है, कुछ नहीं है ऐसे, ये वर्कर्स को इतनी आसानी से राइट नहीं मिलेंगे, आप जो बातें कर रहे हो ना ये तो सिर्फ सपनों में सच होता है, ड्रीम लैंड में जी रहे हो यार तुम सपनों की बातें कर रहे हो, ड्रीम लैंड में हो तुम. अब ड्रीम लैंड से मतलब मार्क्स ड्रीम लैंड के लिए क्या वर्ड यूज करता है, यूटोपिया, मतलब इसीलिए कहता है सेंट साइमन को कि तुम्हारी तरह का जो सोशलिज्म है ना वो तो यूटोपियन है, इट इज व्हाट इट इज, रिमेंबर दिस फ्रेज, इट इज यूटोपियन सोशलिज्म. अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कभी कि यूटोपियन सोशलिज्म क्या था, तो याद रखना इट वॉज रिलेटेड टू सेंट साइमन, यूटोपियन सोशलिज्म वॉज रिलेटेड टू सेंट साइमन. यूटोपियन मतलब सपनों जैसा, ख्वाबों जैसा, समथिंग विच कैन एग्जिस्ट ओनली इन ड्रीम्स, रियलिटी का जिससे जिसका कोई ताल्लुक ना हो, जिसे रियलिटी में हम ना कर पाए. तो इस तरीके से सेंट साइमन की मार्क्स ने बुराई करी आने वाले टाइम में. यूटोपियन सोशलिज्म साइमन ने खुद अपने आप को यूटोपियन नहीं बोला था, वो मार्क्स ने उसे बोला. ओके, अब आते हैं वापस कि कंजर्वेटिव को थोड़ा सा, मैंने आपसे क्या बोला था, एक बात जो मैं भी आपको बता रहा था कि सेंट साइमन कह रहा था कि चेंज आएगा सोसाइटी में, एक तो आएगा व्हेन चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज विल कम, प्लस मैंने कहा था यहाँ पर एक और चीज है, वो दूसरी चीज क्या थी. अब सेंट साइमन को दुनिया में दूसरी चीज सबसे ज्यादा क्या पसंद थी, कौन सी लॉलीपॉप थी जो जिसकी वो हमेशा बात करता रहता था, एंड दैट वॉज सेंट साइमन की पसंदीदा लॉलीपॉप थी, जो मैं जिसका जो हमारे इंट्रोडक्शन में भी मैंने जिसकी बात करी, थोड़ा सा आपको ब्रीफ भी बता चुका हूँ, वो है साइंस, पॉजिटिविज्म. सेंट साइमन को साइंस से बहुत प्यार था, साइंस में बहुत यकीन था, बेइंतहा यकीन था, तो वो कहता था कि व्हेन मैन ऑफ साइंस, पिछले वाली स्लाइड्स पे जाते हैं यहाँ पर, कि चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मैन ऑफ साइंस, ठीक है, मैन ऑफ साइंस मतलब जो लोग साइंस को जानते हैं, साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, ये दो लोग अगर आ जाएंगे तो फिर सोसाइटी बढ़िया हो जाएगी, इसका मैन ऑफ साइंस पे इतना यकीन था. यह कहता था कि मैन ऑफ साइंस दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड टेक द प्लेस ऑफ प्रीस्ट्स, जो प्रीस्ट्स हैं वो मैन ऑफ साइंस मतलब साइंटिस्ट जैसे लोग होते हैं, साइंटिस्ट शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड बिकम प्रीस्ट्स, इसको वो बोलता था न्यू क्रिश्चियनिटी. वो सेंट साइमन था, वो कहता था कि क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, वी नीड टू गेट रिड ऑफ डॉगमाज एंड ऑल, मतलब वो क्रिश्चियनिटी के रोल को रिडिफाइन करना चाहता था, और वो चाहता था कि इस टाइप का एक नया रिलीजन जैसा कुछ शुरू हो. न्यू क्रिश्चियनिटी नाम की चीज़ में वो क्या चाहता था कि क्रिश्चियनिटी का रोल, एक रिलीजन का जो रोल है, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड सेलेक्टिव, बहुत ही सिंपल सिंपल बातों को बात करे वो, देर शुड बी नो प्लेस फॉर डॉगमास, डॉगमास से फ्री करो रिलीजन को, इतने सारे जो रिलीजन हर चीज़ पर इफेक्ट कर रहे हैं, ऑल परवेजिव नेचर है, उसको रिमूव करो,
और क्या चीज लेकर आओ रिलीजन से, एक चीज की हमें जरूरत है, वो चीज क्या है, जीसस की जो टीचिंग थी, असली टीचिंग जीसस की क्या थी, वो थी कि गरीबों के वेलफेयर के बारे में बात करो, पुअर लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करो। उस वेलफेयर अप्रोच को लेकर आओ, उस वेलफेयर अप्रोच को कौन सीखेगा, सब लोग सीखेंगे, एंड स्पेशली कौन सीखेंगे, चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज। ये चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज ये चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज मैन ऑफ साइंस के साथ मिल जाएंगे अगर, और दोनों लोग अगर सोसाइटी को गाइड करेंगे, ठीक है, अगर दोनों लोग सोसाइटी को गाइड करेंगे तो फिर सोसाइटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके हिसाब से एक पॉजिटिविस्ट सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। सो ही वांटेड कि सोसाइटी में चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज और मैन ऑफ साइंस दोनों मिलकर आए, एंड दे शुड गाइड द सोसाइटी। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सेंट साइमन जो था, ही हैड ए लव फॉर साइंस, मतलब ये साइंस का बहुत बड़ा भक्त था। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि हम जो बात कर रहे थे कि ये बोलता है कि पॉज ही कॉल्स फॉर पॉजिटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। क्या चाहता है ये? पॉजिटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। इसने उस टाइम जो किंग वगैरह था उसको लेटर्स भी लिखे कि यार सोसाइटी में चेंज हमें लाने की जरूरत है, एक अच्छी सोसाइटी की जरूरत है, कैसे हो पाएगी, वही यही सब उसकी थ्योरी थी। तो सेंट साइमन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, देख रहे हैं हम कि उसने पॉजिटिविज्म की जो का जो वर्ड है, पॉजिटिविज्म वर्ड लेकर आया, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी थी उसको पॉपुलर किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है सेंट साइमन में और अगस्त कॉन्ट में, ठीक है। और एक बात, सेंट साइमन का अगस्त कॉन्ट से ब्रेकअप हो गया, और उन दोनों के आपस में बनती नहीं थी, और एक दिन ऐसा आया कि अगस्त कॉम्ट ने कहा कि ये आदमी का मेरी जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम ही वाज ऑल ऑब्लाइज्ड टू सेंट साइमन, मगर बाद में आके उन दोनों में इतनी दूरियां बढ़ गई, ये दूरियां बढ़ती चली गई इन दोनों की। लेकिन डिफरेंस क्या है अगस्त कॉम्ट और सेंट साइमन में, उसके लिए हमें थोड़ा अगस्त कॉम्ट को भी जानना पड़ेगा, एंड दैट फॉर दैट वी विल मेक अ डिफरेंट वीडियो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन जो एक मेजर सी बात है कि ये आदमी हवा में थोड़ी बातें करता था। हवा में मतलब ही वॉज नॉट वेल सिस्टमैटिक, ही वॉज नॉट सिस्टमैटिक, ही वॉज नॉट सिस्टमैटिक, नॉट सिस्टमैटिक। ऑगस्ट कॉम जो था ही वॉज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक इन द सेंस कि जो भी ये दोनों लोग बातें कर रहे हैं इनको लेकर, पॉजिटिविज्म को लेकर, तो अगस्त कॉन्ट ने तो उस पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी पर अच्छे से काम किया, उसे अच्छे से बुक की शेप दी। लेकिन सेंट साइमन ने ऐसा कुछ काम, मतलब बुक बुक में इतना ज़्यादा उसका यकीन नहीं था, एकेडमिक तौर पे अगस्त कॉन्ट ने उसे आगे ज़्यादा पुश किया। अब डेफिनेटली इन लोगों का ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन जब अगस्त कॉन्ट उसे कमरे में रहता था और जो भी उनकी पढ़ाई की बातें, जो भी काम करते होंगे वो लोग, तो जब भी सेंट सीमन कुछ बातें बोलता हुआ उसके थॉट्स अगस्त कॉम्प को इन्फ्लुएंस तो करते ही होंगे, तो उस इन्फ्लुएंस को अगस्त कॉम्प ने नहीं छोड़ा, एंड ही ऑल्सो केप्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म। अगस्त कॉम्प का वो पॉजिटिविज्म को लेकर जो इम्पैक्ट है वही हमें आगे चल के दिखाई देगा, किसके ऊपर, दुर्खेम के ऊपर। दुर्खेम जो है वो काम करेगा एंड ही विल ट्रांसलेट दैट पॉजिटिविस्ट फिलोसफी इनटू ग्राउंड रियलिटीज, काम करके दिखाएगा उसके ऊपर, उसे मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये लोग बस बात करते रह गए कि यार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, दुर्खेम ने करके दिखा दिया कि हाँ देखो इस तरीके से, इस पॉजिटिव इस तरीके से सोशियोलॉजी को स्टडी करना चाहिए, और करके दिखा दिया, ठीक है, मेथोडोलॉजी की जो बात है। जैसे उसने सोसाइटी स्टडी किया या रिलीजन स्टडी किया, तो उसने पॉजिटिविस्ट प्रिंसिपल्स को मेथोडोलॉजी में कन्वर्ट करके उसे इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया दुर्खेम ने। ये तीनों में रिश्ता सा आ रहा है। सेंट सेमन भी
इंटरेस्टिंग आदमी था यार। अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत उतार चढ़ाव देखे उसने। वंस अपॉन अ टाइम उस क्या है सेंट साइमन के साथ, कि सेंट साइमन बढ़िया आदमी था, उसने कई चीज़ें देखी इतने ज़माने में। जब वहाँ पे लैंड नेशनलाइज हुई तो उसने लैंड को खरीद लिया, और फिर जब बीच में टर्मोइल हुआ तो उसे जेल भेज दिया गया। जेल से वापस छूट कर आया संजय दत्त की तरह, तो जो करेंसी थी उस करेंसी की कीमत बहुत गिर गई और वो रातों रात अमीर हो गया। अमीर हो गया, रिच हो गया। रिच होने के बाद बंदे ने लेविश लाइफ स्टाइल जी, बहुत लेविश लाइफ स्टाइल, पार्टीज वगैरह देता था थोड़ा बहुत, मतलब विजय माल्या टाइप, नॉट एग्जैक्टली विजय माल्या, उतना रिच तो नहीं था लेकिन काइंड ऑफ। हाँ, अब इतना पैसा खर्च करेगा तो एक दिन बैंकक्रप्ट भी हो गया बंदा, बैंकक्रप्ट हो गया। और जाते जाते मतलब वो फिर दुखी भी रहने लगा। वंस इवन ही ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी, इतना महान आदमी, अल्टीमेटली ही हैड टू डू सुसाइड। वो कर नहीं पाया, मतलब उसने अपने सिर में 6 गोलियां मारी, पता नहीं कितनी मारी, 5 या 6 सिर्फ गोलियां मारी, बट ही स्टिल सर्वाइव। बस एक उसकी आंख को थोड़ा नुकसान पहुंच गया था। ऐसा ही कुछ आने वाली क्लास में हम देखेंगे ऑगस्ट कॉम्प ने भी किया, कि इतना ज़्यादा सोसाइटी को स्टडी करने के बाद ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा नाखुश से रह गए थे। तो इसके साथ वी क्लोज डाउन दिस, ओके, एंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एंड कुछ लोग कहते हैं मुझे कि आपको या हमें नोट्स देने चाहिए, देन आई विल जस्ट डिक्टेट ऑल दिस विच आई हैव टॉट टू यू इन ए लैंग्वेज विच यू कैन यूज इन राइटिंग आंसर्स इन योर एग्जाम्स। फाइन, तो आप लोग फटाफट नोट कर लेना, मैं थोड़े तेजी से बोलूँगा विदाउट पॉजिंग, और आप लोग पॉज कर लेना बीच बीच में, अदरवाइज टाइम से बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम कि सेंट साइमन वॉज अ थिंकर, स्टार्ट राइटिंग, सेंट साइमन वॉज अ थिंकर, ब्रैकेट में लिखना 1760 to 1825, हुज इन्फ्लुएंस कैन बी सीन ऑन द राइटिंग्स ऑफ अगस्त कॉन्ट एंड दुर्खेम। ही इन्फ्लुएंस द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट इन द सेंस ही बिलीव दैट द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना शुड एम्प्लॉय द सेम साइंटिफिक टेक्निक्स एज यूज इन नेचुरल साइंसेज। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो गेव टर्म्स पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। ही हैड एन इम्पैक्ट ऑन बोथ, ऊपर नीचे लिखना ठीक है, मतलब लिखना, ही हैड एन इम्पैक्ट बोथ ऑन मार्क्सियन थॉट ब्रैकेट में रेडिकल थॉट्स एंड कॉम्टियन थॉट्स ब्रैकेट में कंजर्वेटिव थॉट्स। हिज इन्फ्लुएंस ऑन मार्क्सियन थॉट्स कैन बी सीन वेयर ही टॉक्स अबाउट द नीड्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स। ओके, ही टॉक्स अबाउट द नीड्स फॉर सेंट्रलाइज प्लानिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ही बिलीव दैट सोसाइटी शुड बी रीऑर्गेनाइज इन ए वे टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर। However, he was different from Marx, where he said that such change will come not by revolution from working class, rather by reforms and consensus. Marx later criticized his version of socialism as utopian socialism. Fine. Marx later criticized his version of socialism as utopian socialism. His influence on Auguste Comte's thoughts can be seen where he stressed, I repeat, his influence on Auguste Comte's thoughts can be seen where he stressed on the need to preserve society and talks about stability. However, his thoughts were much less conservative than those of conservatives like de Bonald, who had been talking about the need of returning to Middle Ages. He talked about the religion New Christianity. He talked about the religion New Christianity, where role of religion should be reduced to simple and essential elements. Full stop. He wanted to free Christianity
from dogmas and use Jesus' teachings to inspire people to work for betterment of poor. Next paragraph. His admiration of science is also seen when he said that men of science should take the role of priests. He called for positive reorganization of society, where the men of science as priests, along with chiefs of industry, should control and guide society for the welfare of all. Full stop. Next paragraph, in which we will conclude, that Saint Simon's ideas on positivism were taken forward by Auguste Comte. Saint Simon's ideas on positivism were taken forward and extended by his disciple Auguste Comte, bracket mein likhna, when he founded sociology. Subsequently, positivist philosophy of Auguste Comte was put in practice and formulated as positivist methodology by his disciple Emile Durkheim. So that's the video, friends. Thanks for watching. And one important thing, please comment and comments, especially your suggestions. And as everybody says on the YouTube channel, please subscribe kar lena and please hit the bell icon. Okay, so that you can get the updates. Thank you. Any queries, you can drop in the comments. I will definitely respond to them. Thanks.